बाबर आजम को मतलब अब तू कप्तान भी नहीं है, अगर तू स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी नहीं है, बापसी दा किंग, बापसी दा फलाना, बापसी दा टमाटर, बापसी दा सब्जी। ओ भाई अगर देखे, अगर आप मेंटली फोकस नहीं है, पीसीबी का बाप भी तुम्हें फोकस फोर्स नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी टीम की लेके रख दिया, बैंड बजा के रख दिया यार। कहां है वो मेरे घंटे के फैंस जो कह रहे थे मिचेल स्टार्क की वीडियो आई है वो बाबर आजम से डरता है, पैट कमिंस की वीडियो आई है, नथन लाइन की वीडियो आई है, हेजलवुड की वीडियो आई है, वो कहते हैं बाबर बॉब्जी द ग्रेट द पोटी किंग है, तो ये पता नहीं क्या कर देगा ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में। बाबर बाबर आसमान, बाबर तूफान, बाबर पता नहीं फन्ने खान, बाबर बना नन्ने खान। तो ये है भाई जान हमारे बाबर साहब आपके सामने। ओ भाई जान इतनी अच्छी पार्टनरशिप 90 रन की लगी हुई अब्दुल्ला शफीक की और शानुदा किंग साहब, बट नहीं इमाम कहा जाता था किंग कर लेगा, तो किंग ने आज कर दिया। किंग ने आज वाघा बॉर्डर पहुंचे थे, किंग और अटारी बॉर्डर वाघा बॉर्डर पहुंच के किंग ने गेट खोल दिया। जिस प्रकार से आज उन्होंने अपने बैट और पैड के बीच का वो इतना बड़ा गेट खोल दिया कि गेंद क्या उसमें से ट्रक निकल के चले जाए। दिखाना था आज फिर बाबर आजम को ग्राउंड पे और बाबर आजम की फिर लेके रख दी। फैंस इसके कहते पैट कमिंस ने कभी आउट नहीं किया, पैट कमिंस ने टेस्ट में कभी आउट नहीं किया, ये लो आउट भी कर दिया और ये घंटा भी बजा के रख दिया बाबर आजम का यार। बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या है? बाबर आजम आज फिर से जहां पे दूसरे बल्लेबाज रन कर रहे हैं, जिस पिच के ऊपर दूसरे बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, जैसे कि शान मसूद जिसने अभी तक 50 नहीं मारा है इतने अरसे से, उसने भी टेस्ट के अंदर 50 स्कोर कर दी। सही नहीं, लेकिन ये बात नहीं चलेगी कि आप हर दफा, मैं जाती तौर पे समझता हूँ रिजवान हैदर साहब ये सारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कार्टल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज बाबर आजम ने फिर से पूरे पाकिस्तान का मुंह काला करवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज बाबर आजम फिर से एक रन पर आउट हो गए हैं और इसको लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया है और दोस्तों बाबर आजम को बहुत ज़्यादा गाली दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आज पैट कमिंस ने दोस्तों बाबर आजम को एक रन पर जैसे आउट किया, वैसे दोस्तों पाकिस्तानी में खलबली मच चुकी है, क्योंकि दोस्तों जो लोग बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते थे कि कहते थे कि बाबर आजम किंग है और विराट कोहली किंग नहीं है, और बाबर आजम से अच्छा, विराट कोहली से अच्छा बैटिंग बाबर आजम करता है, लेकिन तो आज फिर से बाबर आजम ने साबित कर दिया है कि हम किंग नहीं है और हम घंटे के किंग है और हम एक ही रन पर आउट होंगे, हमेशा आउट होंगे। इसलिए दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बाबर आजम को बहुत ज़्यादा गाली दे रही है और बता रही है कि जो लोग कंपेयर करते थे विराट कोहली से वो कंपेयर करना छोड़ दे, क्योंकि दोस्तों अगर क्रिकेट का किंग है कोई तो विराट कोहली है, और दोस्तों जो लोग कंपेयर करते हैं विराट कोहली से वो समझो उनके मुँह पर पाकिस्तानी मीडिया ने तमाचा जड़ दिया है। इसलिए दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बहुत ज़्यादा गाली दे रही है बाबर आजम को, क्योंकि दोस्तों आज पाकिस्तान की टीम बहुत ही अच्छा खेल रही थी, और लेकिन दोस्तों जैसे ही अब्दुल्ला जैसे शान मसूद आउट हुए दोस्तों ऐसे ही बाबर आजम बोल्ड हो गए। इसलिए दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बाबर आजम को बहुत ज़्यादा गाली दे रही है और कह रही है कि बाबर आजम को टीम से भगा दो, ये तब तक रहेगा तो टीम की बर्बादी करेगा और केवल खाएगा पिएगा और केवल टीम को हराएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में और भी देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है, इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। दोस्तों देखते आगे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। लेकिन ये बात नहीं चलेगी कि आप हर दफा, मैं जाती तौर पे समझता हूँ रिजवान हैदर साहब ये सारे कल्प्रिट है। अब्दुल्ला का चले, उसने बहुत ही शानदार वन हेल ऑफ अ कॉटन बोल्ड मान लिया हो गया 124 पे। बाबर आजम को मतलब अब तू कप्तान भी नहीं है, अगर तू स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी नहीं है, बापसी दा किंग, बापसी दा फलाना, बापसी दा टमाटर, बापसी दा सब्जी। और भाई अगर देखे, अगर आप मेंटली फोकस नहीं है, पीसीबी का बाप भी तुम्हें फोकस फोर्स नहीं कर सकता था। आपका ठीक है कराची वाले कुछ बड़े उछलते कि डर गया ऑस्ट्रेलियन सीरीज से, लेकिन रिजवान जब आप फोकस्ड ही नहीं है, आप अपने आप को और जलील कराएंगे, तो भाईजान ये नहीं चलेगा। विराट कोहली एक ही है दुनिया क्रिकेट का ना, दूसरा नहीं हो सकता। तो बाबर साहब बिल्कुल फर्क। अच्छा तीसरी विकेट जब 131 पे गिर गई, तो ये जो शान मसूद साहब है, वन शॉट टू ऑफन, भाई तुझे किसने कहा तू अग्रेशन बात, माना तूने 50 किया, माना भाईजान कप्तानी वाली इनिंग खेल गया, तो 50 के बाद क्या पाकिस्तान जो है वो 318 कर गया था? क्या पाकिस्तान 220-230 पे खेल रहा था? बॉब्सी शानू दा किंग साहब ने कहा मैं भी आ रहा हूं, वो गए। अब कह रहे हैं जी पिच ऑफ डिलीवरी पड़ गई, एक तो मैं इस लब से बड़ा तंग हूँ पिच ऑफ डिलीवरी पर। बाबर आजम बड़ी बात है जी, हमारा विराट कोहली है भाई, बाबर आजम विराट कोहली से आगे निकल चुका है भाई, बाबर आजम के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है भाई, हमारा किंग है भाई। कहाँ गया किंग? किंग क्या सिर्फ रावलपिंडी की फटा बीच में होता है? और अब जो है शोर मचा हुआ जी, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म है भाई, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। सीधी सारी बात है कि वो रावलपिंडी के और पाकिस्तान के फ्लैट ट्रैक्स को मिस कर रहा है भाई। आप देख लें उसका सामने सारा जो बाबर आजम के स्टैट्स जो आपके सामने है,
2022 में अगर देखा जाए उसके बाद जो अगर देखें तो जनाब ने 38 इनिंग्स खेली हैं, 968 स्कोर हैं और जो एवरेज टोटल जो 25 की है और कोई सो नहीं है और तीन जो डक्स हैं और ये सेना में है भाई। और अगर पाकिस्तान में बात की जाए ना तो इसी टाइम के अंदर जो बाबर आजम की एवरेज 56 की है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी टीम की लेके रख दिया, बैंड बजा के रख दिया यार, कहां है वो मेरे घंटे के फैंस जो कह रहे थे मिचेल स्टार्क की वीडियो आई है वो बाबर आजम से डरता है, पैट कमिंस की वीडियो आई है, नथन लाइन की वीडियो आई है, हेजलवुड की वीडियो आई है, वो कहते हैं बाबर बॉब्जी द ग्रेट द पोटी किंग है, तो ये पता नहीं क्या कर देगा ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में। अब देखा इसने ये करना था, इसने हगना था, मैं बता रहा था तुम लोगों को यार वो ब्रॉडकास्टर का कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, पीआर होती है, वो चक्कर चलता है, असल मुकाबला ग्राउंड पे होता है। दिखाना था आज फिर बाबर आजम को ग्राउंड पे और बाबर आजम की फिर लेके रख दी। फैंस इसके कहते पैट कमिंस ने कभी आउट नहीं किया, पैट कमिंस ने टेस्ट में कभी आउट नहीं किया, ये लो आउट भी कर दिया और ये घंटा भी बजा के रख दिया है बाबर आजम का यार। यूं बाबर मुंह, बाबर आसमान, बाबर तूफान, बाबर पता नहीं फन्ने खान, बाबर बना नन्ने खान। तो ये है भाईजान हमारे बाबर साहब आपके सामने। ओ भाईजान इतनी अच्छी पार्टनरशिप 90 रन की लगी हुई अब्दुल्ला शफीक की और शानू द किंग साहब, बट नहीं ये लोग देख ही नहीं सकते कि पाकिस्तान के लोगों के चेहरे पे जरा सी रौनक, जरा सी खुशी आए, इन्होंने अपनी करके छोड़नी है। तो ये है जी पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स लेवल बेस्ट, वन डे अप और सेकंड डे डाउन। तो यही है हमारे पास, अब बताएं हम क्या करें। हम तो सच बोले तो लोगों को तकलीफ होती है और कुछ लोग तो खैर उनका तो काम ही यही होता है पाकिस्तान की बुराई करना, लेकिन हम बुराई क्यों करें। लेकिन सच जो 3.5 साल पहले बताया था वो आपके सामने आ गया। बहरहाल बहुत अच्छा खेला है अब्दुल्ला शफीक, शानू द किंग भी, लेकिन भाईजान ये आप कप्तान थे, वनडे स्टाइल में खेलने की या T20 जरूरत नहीं थी, अच्छा भला जा रहे थे, विकेट गिर चुकी थी, बाबर भी जा चुका था, थोड़ा सा आप आराम कर लेते तो शायद पाकिस्तान की नैया थोड़ी आगे जा, अंदाजा लगाए। बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या है, बाबर आजम आज फिर से जहां पे दूसरे बल्लेबाज रन्स कर रहे हैं, जिस पिच के ऊपर दूसरे बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, जैसे कि शान मसूद जिसने अभी तक 50 नहीं मारा था इतने अरसे से, उसने भी टेस्ट के अंदर 50 स्कोर कर दी 63 बॉल्स के ऊपर, बड़ी वंडरफुल किस्म के उसने 50 स्कोर किए। वो बंदा जब रन्स कर सकता है तो बाबर आजम क्यों टेस्ट के अंदर रन्स नहीं कर पा रहे। 2023 से अगर बाबर आजम के स्टैट्स देखें उनको छोड़ दें, बड़े गंदे कोई 50 नहीं है, लेकिन बाबर आजम एक के ऊपर आउट हो गए पैट कमिंस के अगेंस्ट। अगर बॉल की बात करें तो बॉल बड़ा खतरनाक था, इसमें कोई शक नहीं है कि अंदर आता बॉल था, बाबर पूरा बल्ला लेकर आया, वो बल्ले को बीट करता है और विकेट के अंदर चला गया। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो अच्छी बॉल। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है दोस्तों बाबर आजम को गाली दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच सेकंड टेस्ट का दूसरा इनिंग चल रहा था और दोस्तों जिस तरह से आज पाकिस्तान की टीम खेल रही थी, जिस तरह से पार्टनरशिप दोस्तों आज अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के बीच बना था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम आज ऑस्ट्रेलिया को बीट कर देगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही एक विकेट गिरा पाकिस्तान की टीम का, जैसे वैसे दोस्तों जब बाबर आजम बैटिंग करने आए, इसके बाद दोस्तों जैसे ही बाबर आजम 7 गेंद खेलकर 1 रन पर आउट हो गए पैट कमिंस की गेंद पर, दोस्तों बोल हो गए। इसके बाद दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया है दोस्तों बाबर आजम को बहुत ज़्यादा गाली दे रही है, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम के आउट होने के बाद पूरी तरह से टीम लड़खड़ा गई और दोस्तों जो पाकिस्तान की टीम है दोस्तों उसके 6 विकेट गिर चुके हैं अब। इसलिए दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया है दोस्तों बाबर आजम को बहुत ज़्यादा गाली दे रही है और बता रहे हैं कि घंटे के किंग जब से ये आ गया है टीम में, तब से हमारी पाकिस्तान की टीम हमेशा जहाँ जाती है वहाँ मुँह काला करवा के आती है। इस घंटे की किंग कप्तान था पहले, इसके बावजूद भी नहीं चलता था, कप्तानी से हट गया, इसके बावजूद भी नहीं चल रहा है। इसलिए दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बहुत ज़्यादा बाबर आजम को गाली दे रही है और बहुत ही खरी खोटी सुना रहा है और उन लोगों को भी सुना रहा है जो विराट कोहली से बाबर आजम को कंपेयर करते थे और जो कहते थे कि बाबर आजम से अच्छा विराट कोहली से अच्छा बाबर आजम खेलता है। लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया ने उनके मुँह पर तमाचा मार दिया है और बता दिया कि देख लो बाबर आजम की किस तरह से खिलाड़ी है और विराट कोहली किस तरह से खिलाड़ी है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।